सिग्मा आए है, यहां सिग्मा ओ है और अंदर भी रो है, तो कांट आई कंसीडर इट एज, कांट आई कंसीडर इट एज क्लस्टर ऑफ इनफाइनाइट थिन शेल्स, बोल सकता हूं ना, भले ये सॉलिड है फिर भी बोल सकता हूं कि भाई ये इनफाइनाइट शेल्स हैं और सारी यूनिफॉर्म शेल्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल्स, राइट। और हमको बहुत चीजें पता है कि इधर बहुत सारी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल्स हैं, सारे पूरे शेल्स हैं, और यहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो व्हाट डू आई डू, आई कंसीडर ओनली इनर वन, उनको पॉइंट चार्ज मान लेता हूं, ये करता हूं ना, आउटसाइड को इग्नोर मारता हूं, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। और अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं अंदर वालों को यहां पर फिक्स कर देता हूं, आई क्लब ऑल द चार्जेस एंड फिक्स इट हियर, एंड आउटसाइड वाले का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालता हूं। ये आता है ना आप लोगों को, ये आता है ना, ये भाई तीन शेल्स हैं यहां पोटेंशियल निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसका निकाल देंगे, इसको पॉइंट चार्ज मान के फिर इनका इनका इंडिविजुअल ले लेंगे। एनीवे चलो, काम की बात यह है कि मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऑटोमेटिकली मैं अंदर वाली शेल को देखूंगा, जस्ट अंदर वाली शेल, बाहर वाले को इग्नोर करूंगा, तो अंदर वाली शेल ये वाली शेल है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट प्लस फोर पाए आर स्क्वायर सिग्मा इनर बाय आर स्क्वायर, दिस बाय बेसिक्स, समझ में आया क्या, ये इक्वेटिंग दीज टू आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई, फाइन। लाइकवाइज आई कैन डू इट फॉर आउटर वन ऑल्सो, जस्ट सोचो आउटर वन, आउटर वाले के बारे में दो मिनट के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भगाना पड़ेगा मेरे को, दो तीन क्वेश्चन रह गए और ये लिख लिया, आउटर के लिए सिग्मा आउट माना है मैंने इसको, है ना, सिग्मा ओ। अब देखो दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग, अगर जेई को डायलेक्टिक यूज नहीं करना है तो भी दे कैन ऑलवेज डिफाइन ए क्वेश्चन वेयर दीज फंडामेंटल्स विल बी यूज्ड। अब देखो जस्ट इसके अंदर E at 2R minus, और जस्ट इसके बाहर कहने से इलेक्ट्रिक विल बी सेम, आर श्योर, यस दैट्स करेक्ट। वापस लेते हैं बेसिक फंडामेंटल को, छोड़ दे एक मिनट के लिए, ये देखो ये जी बहुत सारी शेल्स हैं, ठीक है, और मुझे बोला गया है यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड से 0.1 और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड से 0.2, इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो सिर्फ इस शेल की वजह से हुआ है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो डिस्टेंस में फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 6 किलोमीटर है और वो 6 किलोमीटर प्लस 1 मिलीमीटर है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, प्रिसाइसली इट मेकिंग डिफरेंस ओनली बिकॉज ऑफ दिस शेल, सो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस शेल एट दिस पॉइंट, फाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज 2R माइनस प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा आउट शेल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2R प्लस, इज इट क्लियर, ये सही बात है ना, ये डाउट है किसी को इसमें, हाउ अबाउट यू, इज इट वेरी क्लियर, श्योर, नहीं है तो बोल दे नहीं है भाई, बोलना फिर,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है और जो यहां पर है वो सेम हो जाते अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, दे आर एट द सेम स्पेस, इन स्पेस दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट, बट क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे इसका भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, वही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब देखो, ई ए टू आर प्लस इज अ केक वॉक, ई ए टू आर प्लस वो आराम से आ जाएगा ना, क्या है के के क्यू नॉट बाय टू आर द होल स्क्वायर। तो यहां पर डायलेक्ट्रिक की प्रेजेंस का फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तो सारी डायलेक्ट्रिक को ऐड करके फाइनली आना तो जीरो ही है ना। मुझे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इन सबका टोटल चार्ज मिला के यहां पॉइंट बना देता हूं। तो ये सारी डायलेक्ट्रिक शेल्स का जो टोटल चार्ज जीरो आएगा, बचा सिर्फ क्यू नॉट ही, आई होप इट इज क्लियर। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस दिस शेल है, ओनली दिस शेल है इस पॉइंट के लिए, आई डोंट थिंक दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, के के सिग्मा आउट टू फोर पाई आर स्क्वायर के क्यू बाय, सही है क्या, ये सही है क्या, सही है, ठीक है, के चार्ज बाय आर स्क्वायर। आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस थिंग, आई एम क्लियर। कंफ्यूजन कैसे हो सकता है कि ये आप सर बेसिक से बता रहे हो या फिर आप आर यू कंसिडरिंग दोज बाउंड चार्जेस और आर यू सिंपली डिवाइडिंग योर ई बाय के, देयर मे बी कंफ्यूजन ओवर देयर। देन आई अगेन इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, अगर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, तो मैंने बोला देखो जब पहली लाइन लिखी थी मैंने, मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने बोला ई एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू ई एट दिस पॉइंट प्लस दिस, दैट्स इट। सेकंड लाइन लिखी तो मैंने यहां का ई लिखा, एब्सोल्यूट ई, वो ये था, सही था मैं। फिर मैंने इस पॉइंट पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा, वो भी मैंने सही लिखा है। फिर मैंने कहा इसका यहां का ई निकालना है। अब यहां का ई आप कैसे भी निकालो, बाय बेसिक्स निकालो या बाय जस्ट डेफिनेशन निकालो, तो ऑफकोर्स आई विल गो बाय द डेफिनेशन वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज के क्यू नॉट बाय टू आर द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एट दिस पॉइंट, दैट इज सी बाय टू आर। सॉल्व करके आपका सिग्मा आउट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें सिग्मा इन और सिग्मा आउट डिफरेंट होंगे बिकॉज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो रहा है। जैसे आप दूर जा रहे हो पोलराइजेशन का एक्सटेंट कम होते आ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ते आ रहा है। तो ये केस उस शीट वाले केस की तरह नहीं है कि एक शीट के बाजू में एक शीट रख दी, दोनों की दोनों पैरेलल है तो सारे एटम्स जो है एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर जाएंगे, ऐसा नहीं यहां पर है ना। बेटा दो, अगर मुझे पूछा गया यहां निकालो डेंसिटी तो क्या करोगे आप लोग, टेक इट इज द होमवर्क। डेंसिटी यहां कैसे निकालते हैं, आप ऐसे एक गॉशियन सरफेस ले लो, सो इट्स काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड गॉशियन सरफेस, यूजुअली गॉशियन सरफेस एक ही होता है, बट आई कैन से आई हैव गॉट अ बलून इनसाइड अनदर बलून, सो दिस पोर्शन इज आउटसाइड द इनर वन एंड इनसाइड द आउटर वन। इसके अंदर जो चार्ज है दैट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स, समझ में आ रहा है क्या, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा टेढ़ा नहीं बोलेंगे, सीधा भी पूछ सकते हैं लोग। ये दोनों डिसकनेक्टेड बैलून है, टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो इसके अंदर जो चार्ज है दैट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स, फाइन, वही हाँ हाँ, बिना गॉस लॉ के भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, यस। टोटल जीरो होता है, टोटल जीरो होता है, ये पूछ रहे हैं ना। अब मैं कह रहा हूं इस सरफेस पे सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बोला है मैंने, अगर एक गॉस एक शेल लोगे ना तो डेंसिटी यहां 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 ये सेम होगी, ये बोला है, ये तो ऑब्वियस है ना बायसिमेट्री। मैंने ये नहीं बोला कि जो यहां का डिस्ट्रीब्यूशन है वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहां का है, ये नहीं बोला मैंने, वो अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने रो पूछा है आपसे, फाइन रो, रो विल बी फंक्शन ऑफ आर। ठीक है,
मैंने उसके लिए ऐसे करके दो शेल्स ले ली, यहां ई निकाला यहां ई निकाला, ठीक है, इसका रेडियस एक्स लिया, इसका एक्स प्लस डी एक्स लिया, तो ई एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू फोर पाए एक्स प्लस डी एक्स द होल स्क्वायर, ये यहां का फ्लक्स हो गया, ठीक है, और यहां का फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई एट एक्स इंटू फोर पाए एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये बाहर की तरफ है और मुझे ये वाला फ्लक्स लेना है, बट मैंने ये वाला निकाल दिया, इज इट क्लियर, सो दिस माइनस इज इक्वल टू, इसके अंदर जो नेट चार्ज इनक्लोज है दैट इज इक्वल टू फोर पाए एक्स स्क्वायर डी एक्स रो बाय टोटल एप्सिलॉन नॉट, वेरी सॉल्व दिस विल गेट अ वैल्यू ऑफ रो, एंड हाउ टू फाइंड दिस एंड दिस, वेरी इजी बाय डेफिनेशन, फाइंड ई एट दिस पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड डिवाइड बाय के एट दिस पॉइंट, समझ में आ रहेगा, ठीक है, होमवर्क इसे रो आ जाएगा, टू चेक वेदर आंसर करेक्ट और नॉट यू कैन यू नो यूज अ वेरी सिंपल वे, नेट चार्ज शुड बी जीरो, तो क्या करना, फोर पाए आर स्क्वायर, फोर पाए आर स्क्वायर इंटू सिग्मा वन प्लस फोर पाए आर स्क्वायर इंटू सिग्मा टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डीवी शुड बी इक्वल टू जीरो, समझ में आया क्या, ये चेक कर लेना आप घर पे होमवर्क की तरह, मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपको फायदा हो रहा है क्या इससे, या थोड़ा बोरिंग लग रहा है कि आता है दोबारा रिपीट चल रहा है सब, ठीक है, रिविजन हो रहा है ना, आई होप सो, ठीक है, मैंने सी आई कांट कमिट अबाउट ईच एंड एवरी कंसेप्ट बट आई एम ट्राइंग टू टच मोस्ट ऑफ देम, तो जेई जल्दी पूछ लेती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, थोड़ा जल्दी बताऊंगा मैं यहां पर मैं, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक बार पहले किए हुए हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बेटर इन पुराने वीडियो दोबारा देखना एक बार, ये एक कुछ तो है क्यूब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी थ्री वाई आई प्लस टू एक्स वाई जे, बोला है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, मुझे पता नहीं प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, सो व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब, लास्ट टू लास्ट ईयर भी सिमिलर क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था उसमें, क्वेश्चन ऐसा था, नहीं सिमिलर नहीं था, डिफरेंट था, सॉरी, ओके, तो ये निकल जाएगा, ये क्यूब की साइड ए है, ठीक है, तो ऐसी मैं फास्ट ट्रैक पर डिस्कस कर लेता हूं, आप घर पे करना है इसको, और अगेन रिपीट, एक रिवीजन लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, दो लेक्चर्स हैं उनमें ये सब है बहुत डिटेल्स में, इसमें क्या है, जैसे ये फेस लिया आपने, ये वाला फेस सबसे नीचे वाला फेस, ठीक है, नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सबसे नीचे वाला फेस जो है ई एफ जी एच, इसमें से कितना फ्लक्स आएगा, हाँ ई एफ जी एच नीचे का फेज है, तो ये जो फेज है ना इसमें से वो ही जाएगा जिसके साथ जे है, जिसके बाद जे कैप है, राइट, बिकॉज आई कैप तो देखेगा भी नहीं है, जे कैप देखेगा, और जे कैप वाले में आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे सरफेस के लिए वाई की वैल्यू जीरो है, तो वाई जीरो डाल दो तो जीरो जे हो गया, मतलब तो कुछ आएगा ही नहीं वहां पर, समझ में आया क्या, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो है ना, ऐसे ही ए बी सी डी ले लो आप, और ए बी सी डी जो है वो ए ऊपर है जमीन से, मतलब इसका वाई ए है, और इसमें भी यही कंट्रीब्यूट करेगा, तो टू एक्स ए जे हो जाएगा, राइट, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिटेल से बात की हुई है कि ये लीनियर है तो हम इसका एवरेज ले सकते हैं, तो इसका जो एरिया है ए स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेंगे वो ऐसे बढ़ता रहेगा राइट साइड में, तो हम इसको 2a बाई टू इंटू ए ले सकते हैं,
You can do it by integration also, but it's a lengthy method. This is a linear one, so I can directly do it. So, iska answer ho jayega aapka a raised to 4. Right? In fact, this bar JE mein question mein aaya tha, ek force hai 60 ka. 60 ka force tha, mass shayad 1 kg tha. तो उसी काइनेटिक एनर्जी कुछ निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी, तो एक्सेलरेशन, इसका मास भी 1 है तो एक्सेलरेशन भी यही हो जाएगा इसका, राइट? तो एक्सेलरेशन जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन ले सकते हैं इसका. तो एक सेकंड के बाद 6 होगा, स्टार्टिंग में 0 था, तो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मान सकते हैं 3 फर्स्ट सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी 3 आती है. और रिलीज का आंसर आता है 9/2, हाफ एमवी स्क्वायर था ना. ओरली कितने लोगों ने किया इसका आंसर? 4.5. कोई जरूरी था इंटीग्रेशन करना ओरली, बट ठीक है. तो लीनियरली एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसका एवरेज एक्सेलरेशन मान लो 3, वेलोसिटी 3 आ जाती है इसकी, 3 × 3/2, 4.5. इस पे आते हैं. चलो एडीएचई, एडीएचई तो इसमें क्या काम करेगा? आई कैप ये, और इसमें कहने से पूरा 0 आएगा आंसर. ऑफकोर्स नॉट, एडीएचई जो है उसमें आई कैप कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और इसमें पूरे इसमें एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स पे तो है ही नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? तो एडीएचई का कुछ तो आएगा, वही कुछ तो बीसीजीएफ का भी आएगा, तो शायद आप ये बोलना चाहते हो 0. हाँ ओके ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो आई नीड नॉट ब्रेक माई हेड फॉर दिस. इन दोनों का टोटल मिला के 0 हो जाएगा. ये क्लियर है ना? ये तो यहां पर जो ट्रिकी पॉइंट था, मतलब जिसमें टाइम वेस्ट कर सकते थे, कि ये दोनों में आय वाला काम करता है और दोनों में फर्क है एक्स का, और जो चीज काम करती है उसमें एक्स है ही नहीं, ये दोनों को सेम नजरों से देखता है, राइट? तो यू नो कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, 0 हो गया. बचा सिर्फ ये ए बी एफ ई डी सी एच जी, ये कर लेना अपना. चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है? 0 आ रहेगा तो देख लो, मुझे नहीं पता. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें यार वो सब अच्छे, टाइम क्या हुआ है, बहुत लेट हो रहा है भाई तू. हाँ इधर देख, इसमें ये सारे कर लेना एक बार, मैं करा नहीं रहा अभी. एक पॉइंट चार्ज है, एक शेल है, एक सॉलिड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड क्या होता है, पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड क्या होता है, अच्छी तरह देख लेना, ठीक है? फिर एक सरफेस की वजह से फील्ड यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन आता है, ऑल द थिंग्स. तो क्या करना अभी घर जाके, ये सारे क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह करो दोबारा से, ठीक है? इफ यू वांट टू गो थ्रू द वीडियो, यू मे गो थ्रू दैट बाय इवनिंग, आई विल अपलोड दैट. एंड देन पुराने जो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, पहले ही हमने बात की है कि जो पुराने क्वेश्चन किए हैं दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, वो आपको दोबारा अच्छी तरह करना ही है एक बार. फाइन, एच सी एम के सारे एग्जाम्पल्स कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स एक देख लो, एक कर लो, एक देख लो, एक कर लो, राइट? अनसॉल्व वर्थ नहीं है सॉल्व करना, बिकॉज दे आर वेरी इजी क्वेश्चन. अनसॉल्व के लास्ट के कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, एंड यू मस्ट बी हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि कौन कौन से अच्छे प्रॉब्लम्स हैं अनसॉल्व में, ठीक है? अगर 50 क्वेश्चन दिए हैं तो लास्ट के 20-25 अच्छे होते हैं जनरली, तो आपको याद होगा ये अच्छा है उसको कर लिया दैट वेज. एंड पांडे सर की जो किताब है उसमें, अच्छा जो डीसी पांडे सर का लेक्चर है उसमें सर वो मिसलेनियस लेने वाले हैं. कई बच्चे पूछे थे क्या पढ़ा रहे हैं, तो डीसी पांडे सर वो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेंगे पूरे फिजिक्स में से. फाइन, और फिर लेक्चर राहुल का है शायद, राहुल के मैम लिख के रखा है बाहर, देख लेना आप लोग जो भी है. क्या बोला था मैं लास्ट में? हाँ, इरोडो के कुछ क्वेश्चन हमने पहले के कर रखे हैं, मान लो इरोडो के पहले कर रखे हैं, सो यू कैन गो टू दोस क्वेश्चन वन सेकेंड. फाइन, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 19-20 मई के आसपास आपको ऐसा लगे यार मैं रोज का आधा घंटा पढ़ा देता, ठीक है, तो मेरे 25 आवर्स और बढ़ जाते, और 25 आवर्स में इतने क्वेश्चन आ सकते थे जो मेरे 5-8 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते थे. फाइन, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. इफ एट ऑल बाय मिस्टेक, बाय एनी चांस, इफ यू एंड अप वेस्टिंग फ्यू मिनट्स, मैं फ्यू आवर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, एट द एंड ऑफ द डे, तो रात को आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा दोबारा से कि यार नेक्स्ट डे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि मेरा टाइम वहां वेस्ट हो जाए. फाइन, ओके, बेस्ट ऑफ लक.